आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आपके आधार कार्ड से कितने सिम कार्ड परचेज किए गए हैं और कितने सिम कार्ड अभी तक एक्टिव हैं। तो अगर आप ये पता लगाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, मैं हूं नंदलाल और आप देख रहे हैं नंदलाल टेक्निकल। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं कि आपके आधार कार्ड से कितने सिम कार्ड परचेज किए गए हैं और कितने सिम कार्ड एक्टिव हैं। तो अब आपको क्या करना है कि आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको इसमें सर्च करना है tafco.dgtelecom.gov.in। इसे आपको टाइप करके सर्च कर देना है गूगल क्रोम में। ठीक, तो टाइप करके मैंने सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद डायरेक्ट आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा विंडो। तो विंडो आने के बाद आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे टैप कॉप का ये है टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मतलब कि यहाँ पे फ्रॉड का जो है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, इंटर योर मोबाइल नंबर। ठीक, तो इंटर योर मोबाइल नंबर में आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर फिल कर देना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको अपना फिल करना है। फिल करने के बाद क्या करेंगे आप कि रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक OTP आएगा मोबाइल पे, जो कि आपको यहाँ पे फिल। तो अब मैं क्या करता हूँ कि जल्दी से अपना OTP यहाँ पे फिल करता हूँ। फिल करने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करूँगा। ठीक, तो मैं अभी OTP का इंतज़ार कर रहा हूँ। OTP अभी आया नहीं मेरे मोबाइल पे, तो मैं चेक कर लेता हूँ। OTP आ गया। OTP आने के बाद आप देखिए, मैं यहाँ पे OTP अपना फिल कर रहा हूँ। OTP फिल करने के बाद मैं वैलिडेट पे क्लिक करता हूँ। वैलिडेट पे क्लिक जैसे ही करूँगा, यहाँ पे ये देखिए मेरे मोबाइल का सारा डिटेल्स आ गया, मतलब कि मेरे आधार कार्ड से जितने भी सिम परचेज किए रहेंगे यहाँ पे सारी डिटेल दिखाई देने लगेंगे। बट अभी तक मेरे आधार कार्ड से सिर्फ एक सिम परचेज किया गया और सारे इनएक्टिव हैं मेरे आधार कार्ड से जो भी सिम परचेज किए गए हैं। तो यहाँ पे एक सिम जो है कि दिखा रहा है। ठीक, तो अगर आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है सिम की, तो ये देखिए ट्रैक करने के लिए दिया है कि ट्रैक कर सकते हैं आपका क्या चल रहा है इसमें, अगर आप कंप्लेंट किए हैं। ठीक, यहाँ पे नेम ऑफ़ यूजर दे रहा है। नेम ऑफ़ यूजर का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे देखिए तीन ऑप्शन दे रहा है, दिस इज नॉट माई नंबर, इसके बाद नॉट रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। ठीक, तो आपको टिक करने के बाद आप अगर तीनों में से कोई भी अगर आपको दिस इज नॉट माई नंबर अगर है तो आप उस पर क्लिक कर देना है आपको, और इसके बाद फिर सबमिट कर देना रहेगा। ठीक, और अगर आपको रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड पे क्लिक करके रिपोर्ट कर देनी होगी, और नॉट रिक्वायर्ड है तो भी रिपोर्ट कर देनी होगी, और आपका नंबर नहीं है तो भी आपको रिपोर्ट करना है। अगर मतलब कि आपको जो भी करना है यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कंप्लेन भी कर सकते हैं, आपका नंबर बंद भी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।